नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में जब जानकीपुरम में लोग अपने अपने बूथ पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। यहाँ तक कि कई लोगों को अपना बूथ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि इस बारे में डीएम से कई बार शिकायत की गई लेकिन अभी तक इसका हल नहीं हो पाया। इस बीच बूथ पर स्कूल प्रबंधक और बीएलओ के बीच कुर्सी को लेकर थोड़ी गहमागहमी भी देखने को मिली। हमारे जानकीपुरम गार्डन में इस समय लगभग जो है 2500 वोटर इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि उनका नाम लिस्ट में आए। और हमने अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे बीएलओ साहब बैठे थे तो उनको आके अपना आधार कार्ड, अपने परिवार का आधार कार्ड, बिजली का बिल मैंने दिया था, जबकि मैं लिस्ट में पा रहा हूँ कि मेरा नाम ही नहीं आया है। तो इसका मुझे मतलब बेहद दुख है कि इतने दिनों के बाद भी मेरा नाम जो है नगर निगम में नहीं आया, जबकि मैं पिछले 12 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पे हमको बैठने में बैकबोन में प्रॉब्लम होती है लेकिन यहाँ पे कई दो दिन से हम लोग यहाँ इसी चेयर इस पे बैठ रहे हैं और ये लोग कोई चेयर की व्यवस्था नहीं करते। कहते हमारे पास चेयर है ही नहीं, हमारा स्टाफ बैठा है, हमारे पास एक्स्ट्रा चेयर नहीं है। कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी है आपकी? ये 9 बजे से 5 बजे। किस विद्यालय में बैठी हैं आप लोग? ये MDM पब्लिक इंटर कॉलेज। ये कहाँ पर है? ये है यहाँ जानकीपुरम गुत्ती में, सेक्टर F। जानकीपुरम MDM स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक बूथ लगाए जा रहे हैं जिसमें मतदाता सूची में जिनके नाम रह गए हैं उनके नाम बढ़वाने के लिए यहाँ पर BLO की तैनाती की गई है कि जिनके भी नाम सूची में रह गए हैं उनके नाम सूची में बढ़वाए जाएँ। तो यहाँ पर कुछ अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बार हम बात करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, कैसे आप लोग कर रहे हैं, कैसे नाम आप सूची में दर्ज कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कुछ एरिया ऐसा है जो बिल्कुल इसमें जुड़ा ही नहीं है जिसमें कि लगभग 4000 वोटर होगा। तो पहले से ऑलरेडी हम लोगों की लिस्ट में 1400, 1500, 1600 लिस्ट नाम है, एक लिस्ट में 1000 पे काम करना चाहिए। और कितने वोटर हम कैसे जोड़ेंगे, ये परेशानी हमको बहुत हो रही है। कोई कहता है नहीं जोड़ोगे तो हम कहीं शिकायत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कितना जोड़ेंगे, 2000-4000 जोड़ेंगे क्या एक लिस्ट में? सब नहीं हो सकता। तो अभी इनके पास समय का अभाव है, किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए आए हैं, कुछ क्षेत्रीय लोग होंगे। जानकीपुरम सिस्टम पार्टन से आप हैं, क्या समस्या है, कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं जोड़ पाया? भाई साहब, अभी तक हमको यही नहीं पता है कि हम जानकीपुरम द्वितीय के वोटर हैं या जानकीपुरम तृतीय के वोटर हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन और शासन को मैं लिख भी रहा हूँ, पत्र भी भेज रहा हूँ, अभी तक जिलाधिकारी महोदय से भी कोई मेरे को ये नहीं पता लग पाया कि हम लोग किस वार्ड के वोटर कहलाए जाएंगे। क्योंकि अभी हमने विधानसभा पहली बार हम लोगों ने वोट डाला था, हमारे 5 अपार्टमेंट हैं। जानकीपुरम विस्तार की जो योजनाएं हैं उसमें एक सृष्टि अपार्टमेंट है, स्मृति अपार्टमेंट है, जनेश्वर अपार्टमेंट है, आपके सरगम है, सुलभ आवास सेक्टर जे है। इन लोगों यहाँ करीब 10,000 वोटर हैं और अभी तक हमारे यहाँ ना कोई BLO का पता है ना हमारे वार्ड का पता है। लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, लगातार बातचीत कर रहा हूँ लेकिन कोई भी अभी तक मेरे को हल नहीं मिला। कुछ अधिकारियों से अभी यहाँ पर आया हूँ, अभी मैं आया हूँ यहाँ पर अपना देखने के लिए कि यहाँ नाम ही नहीं, यहाँ जबकि 8 बूथ बने हुए हैं उसमें किसी में भी हम लोगों का किसी भी अपार्टमेंट वासियों का नाम ही नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ये सृष्टि अपार्टमेंट के निवासी हैं, जिनका कहना है कि अभी हमारे अपार्टमेंट में करीब 1000 निवासी हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो हम नगर निकाय के चुनाव में वोटिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से हम अपने नेता को चुनेंगे, अपने क्षेत्र के सभासद को चुनेंगे। हमारे साथ कुछ BLO भी बात करने के लिए बैठे हुए क्षेत्र के, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये आप वोटर लिस्ट बना रहे हैं और कैसे लोगों का नाम इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है। ये मैं विनोद कुमार यादव, BLO 1508। हमारे यहाँ जो फार्म आ रहे हैं ये उनको फार्म हम लोग ले रहे हैं, हर के मतदाता स्वयं इन फार्मों को ले जाते हैं, हम नगर निगम कार्यालय में देते हैं, रिसीव कराते हैं, रिसीविंग लेते हैं। तो इनका कहना ये है, ये BLO है जिनसे हमारी बात हो रही थी, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए अपना फॉर्म भर के दे जाते हैं उनको हम जमा करके कुछ अधिकारियों को प्रेषित करते हैं, उसके बाद उधर से जो भी कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी किस तरह से। हालांकि अभी तक बहुत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका भी नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, क्या समस्या है, आप यहाँ पर आए हैं?
मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन मैंने अपने घर के और मोहल्ले के लोगों के कुछ नाम करवाने के लिए मैं वही नाम जो मैंने दिए थे वो देखने के लिए आया हूँ, और वो नाम मुझे यहाँ पर नहीं मिलता है। इतनी लापरवाही किस लिए हुई है? शासन को दिखाई दे रहा है कि हमारा जो मत है, हमारा वोट है, अपने मुद्दा को जीतने का विषय है, उसको कैसे मतलब वोट करें। तो ये मामला केवल जानकीपुरम का नहीं है, पूरे लखनऊ का, पूरे उत्तर प्रदेश का है, जहां मतदाता सूची से वोटरों का नाम गायब हो चुका है। बहुत सारे वोटर हैं जो वयस्क हो चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये किसकी कमी आ रही है? ये निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम कर रहा था, कैसे जिला निर्वाचन अधिकारी इसको देख रहे थे, किस तरीके से अधिकारियों को इस पर प्रेषित कर रहे थे कि कैसे काम किया जाए, ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। लेकिन अभी ये समस्या दस की दस बनी हुई है। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। यूपी में आगामी होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के द्वारा सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आपने अमेठी में भी पदयात्रा निकाली। इस यात्रा में पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज ये पदयात्रा की जरूरत अमेठी के आम नागरिकों को है। उनके द्वारा उठाई जा रही आवाज पे आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु, आज ये जो भ्रष्टाचारी रूपी नगर पंचायत अमेठी में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, जो गंदगी का अंबार लगा है नगर पंचायत क्षेत्र में, उसको दूर करने का काम आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु और सभी पदाधिकारी बंधुओं का नैतिक कर्तव्य होता है, और उसी के लिए आज ये जनजागरण का कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत सूक्ष्म है। आज से अमेठी का बिगुल बज चुका है भ्रष्टाचार हटाने का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बसपा के प्रभारी इमरान मसूद 2024 लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को देखते हुए जनपद कई हिस्सों में चुनावी रैली आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं बिजनौर में सपा बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद गिरीश चंद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बसपा प्रभारी इमरान मसूद ने कार्यक्रम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दलित और मुस्लिम का सभी सरकार में उत्पीड़न हुआ है। वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा मदरसों के नाम पर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो जहाँ की मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं सब जगह जा रहा हूँ। निकाय चुनाव भी उसमें एक मुद्दा है, लेकिन केवल निकाय चुनाव के लिए ऐसा नहीं है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग 2024 में 2027 में एक बेहतर प्रदर्शन कर करके अपनी नेता बहन हमारी मायावती जी के हाथ में मजबूत कर सकें। वाराणसी में यातायात माह की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस द्वारा स्कूलों के छात्र और छात्राओं के साथ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस छात्र और छात्राओं को ट्रैफिक नियमों के से रूबरू करवा रही है, और छात्रों से अपील कर रही है कि वो अपने परिजनों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करें। गुजरात में मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नदियों और नहरों पर बने पुलों के निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। वहीं औरैया और जालौन के राहगीरों ने बताया कि यमुना नदी और सेगू नदी पर बना पुल कई जगहों पर टूटा हुआ है, जिसका अभी तक कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया। जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने पुलों का औचक निरीक्षण कर तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुल क्षतिग्रस्त हो तो लोग दूसरे रास्तों से आवागमन करें। विकास जी, आप इसमें कहाँ खड़े हैं? हम ये यमुना पुल पर खड़े हैं, जो औरैया और जालौन को जोड़ने वाला पुल है। ये काफ़ी लंबा है, लेकिन इसकी रेलिंग टूटी हुई है कई समय से, लेकिन इस पर प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता है, और इस पर गड्ढे भी बने हुए हैं, लेकिन ध्यान देने का कोई उचित ही नहीं है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ना कभी भी कोई हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकती है रेलिंग से, कोई भी वाहन आए और किनारे हो सकता है, रेलिंग से घटनाएं तो होती हैं आजकल, गड्ढा मुक्त गड्ढा भी नहीं हो रहे रोड के, बराबर ऐसे ही हैं। सही है, काफ़ी दिनों से ऐसी भी दिख रहा है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ, इतनी कंप्लेंट कोई सुनाई नहीं हो रही है, रेलिंग से बड़ी तकलीफ होती है। ये कौन सा पुल है? यमुना जी का पुल है, औरैया जालौन जोड़ता है। किस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत होती है, और ये टूटी जो पड़ी हुई है रेलिंग, इससे ये जो रेलिंग टूटी है कब से है? और ये ज्यादातर
इन क्षेत्रों में मोटरसाइकिल वालों का, फोर व्हीलर ड्राइवर और ट्रक वालों का ज़्यादातर जान चला जाता है। शासन ने यह अपेक्षा की है कि सभी जनपद इसको देखवा लें, जब किसी भी विभाग के द्वारा, चाहे आरएएस के द्वारा, सेतु निगम के द्वारा या पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जो बड़े पुल, छोटे पुल या छोटे पुलिया भी बनवाई गई है और वो वर्तमान में किस हालत में है, इसका निरीक्षण कर लिया जाए। अगर कोई उसमें रिपेयरिंग है तो उसको तत्काल किया जाए और ये ध्यान रखा जाए कि कोई घटना दुर्घटना न होने पाए। अगर कोई पुल या पुलिया या बिल्कुल ही जर्जर हो गया और ऐसा लग रहा है कि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करते हुए उसका भी एस्टीमेट बना के शासन को दिया जाएगा। खबर रायबरेली से है, जहां जनपद में वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रोगों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव और साफ सफाई का दावा किया जा रहा है, जिसके बावजूद वायरल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। CMO डॉक्टर आस्थाना ने बताया कि अप्रैल माह से अभी तक 81 मरीजों में वायरल के लक्षण पाए गए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों के इलाज के लिए 10 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था भी की गई है। मौसम में बदलाव की वजह से मच्छर बढ़ रहे हैं, मच्छर बढ़ने की वजह से डेंगू जब मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काट लेता है तो उसकी बारिश हो जाता है, वो फिर वो मच्छर जितने लोगों को काटता है वो संक्रमण फैलाता जाता है, तो डेंगू इस वजह से फैला। तो आपके माध्यम से जनमानस से अपील है कि वो मच्छरों से बचने के लिए घरों के आसपास पानी न जमा होना चाहिए, घर में जहाँ भी पानी जमा के स्रोत हैं उनको नियमित अंतराल पर साफ सुथरा रखें, सुबह शाम फुल आसीन के कपड़े पहने और साथ ही साथ मच्छरदानी का प्रयोग करें, ओडोमास का प्रयोग करें, मच्छर से बचें, क्योंकि मच्छर ही है एक ऐसा वाहक है जो इस रोग को, के संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। उस पर उससे अगर हम बचते हैं तो हम उस डेंगू के प्रसार को रोक सकते हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी बलवंत हमारे साथ जुड़ेंगे। बलवंत, देखा जाए तो हर तरफ डेंगू का प्रकोप है, रायबरेली में किस तरह प्रशासन का तैयारी की गई है डेंगू को लेकर? जी नंदनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में अभी COVID-19 की महामारी से देशवासी हैं अभी निकल के बाहर आए हैं, कि जो आम जनमानस की धरातल की चीजें वो प्रगति पे आई थी कि अब डेंगू भी अपना पैर पसारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस समय चाहे जिला अस्पताल की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, पैथोलॉजी की, वहां पे देखा जाए तो लंबी कतारें लगी हैं, एक लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो प्रशासन ने वहीं पे बलवन, देखा जाए तो रायबरेली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और तैयारियां की गई है, कहां कहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया गया है? जी, ये भी बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने पूरी तरह तैयारी कर ली है और फिलहाल अभी तक जो कल देखा जाए, कल की बात की जाए तो कल 69 मरीज मिले थे डेंगू के, आज 12 मरीज, फिर बढ़ोतरी हुई है, आज कुल 81 मरीजों की हो गए हैं अब तक। और जो भी प्रशासन ने अभी तक व्यवस्था की है वो 10 बेडों का हॉस्पिटल के लिए किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलवंत। खबर कानपुर से है, जहां गीता संदेश देने के लिए 273 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर सामूहिक पाठ किया जा रहा है, जिसका आयोजन श्री मद भगवत गीता समिति के नेतृत्व में हो रहा है। मानव श्रृंखला में स्कूल, महाविद्यालय संगठन HBTU और CHSMH यूनिवर्सिटी के छात्र इसमें भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की भी मानव श्रृंखला में शामिल होने की जानकारी दी गई है। गीता के ज्ञान का विस्तार देना हम सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि गीता हमारी वो ग्रंथ है जिसके आधार पर हम समाज जीवन में, समाज की सेवा, हम अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन और धर्म की भी ज्ञान हमको उससे होता है। और हम गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे समाज को कहीं ना कहीं उन्नति दे सकता है, हमको व्यवस्थित जीवन जीने की भी और किस प्रकार से हमारी भूमिका अन्य के प्रति होनी चाहिए उसका भी ज्ञान दे सकता है। और गीता का ये प्रचार प्रसार जो बच्चे आज मानव श्रृंखला के रूप में पूरे कानपुर में कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक नज़ीर बनेगी और गीता का प्रचार प्रसार हम सबको कहीं ना कहीं इन बच्चों से भी प्रेरणा लेकर के और करना चाहिए। इनके लिए मैं बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ और गीता पे हम सब लोगों का ज्ञान वर्धन हो, ऐसा हम सब एक दूसरे को जितना हमें जानकारी हो गीता को पढ़ें,
और गीता के ज्ञान को विस्तार देने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। खबर अलीगढ़ से है। यहां खेत से वापस जा रही महिला पर हाई टेंशन तार गिर पड़ा, जिसमें महिला मौके पर ही जिसमें महिला की मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही मृतक महिला के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बताया कि कई बार बिजली विभाग से इस संबंध में शिकायत भी की थी, पर अधिकारियों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो ये लाइन थी 11,000 की, ये लाइन करीब कोई 4 फीट ऊंची थी, तो ये शाम जो है तार जो है उल्ट है कि जरी गांव, तो जो गांव को जो मिस्त्री है बिजली घर पे अनिल कुमार, वो इसे जोड़ के गए हो, तो इसे 4 फुट पे ही जोड़ के चले हो, ना कि ये तार ऊपर करे हो। तो प्रवेश देवी बाय फॉक्स मरवीर सिंह गांव डेटा कला से, वो अपने खेतों को उसके लाइन से 5 मीटर दूर ही कार्य कर रहे हैं अपनों, तो वो अपने सर पर चारे की गड्डी लेके जैसे आई हैं, तो वो उनकी नाक पर ये तार टकराए हो, तो एट ए टाइम ही उनकी जो मृत्यु है गई है वहाँ। मैनपुरी की थाना कुरावली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए वाहन और बकरी चोरों के अंतरजनपदीय गिरोह के 2 सदस्यों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से देसी तमंचा, चोरी के वाहन और 4 बकरी बरामद की गई। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना की जानकारी भी दी है। थाना कुरावली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, और बेसिकली ये वाहन चोरी करते हैं, और वाहन चोरी के बाद उसको अन्य चोरी के अपराधों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बकरी आदि मवेशी भी चुरा लेते हैं। इनके पास से 4 बकरियां भी मिली है, 2 गाड़ियां मिली है, इको और बुलेरो गाड़ी मिली है, इनके पास तमंचा और 315 बोर का मिला है, 1 गाड़ी और इनके पास से मिली है जिसमें बकरी थी। ये दोनों बुलेरो पिकअप और इको गाड़ी ये आगरा जनपद से चुराए हैं, थाना रामगढ़ से, थाना मदौला से, वहाँ पे मुकदमा भी इनका लिखा गया है। इनके दोनों साथियों के और नाम आ गए, उनको भी हम जल्दी से गिरफ्तारी करेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई थाना कुरौली पुलिस द्वारा की गई। रायबरेली में संताव गांव के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बुजुर्ग को रौंद दिया। बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मथुरा में एक निजी होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आग की तेज लपटें होटल के कमरों तक पहुंच गई। बताया जा रहा है इस होटल में लगभग 100 से ज्यादा लोग ठहरे हुए थे। कई लोगों की आग से झुलसने की सूचना मिली। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एक ही फैमिली से सब लोग, मैं करीबन 5:07 से फायर ब्रिगेड को लगातार फोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता है एमरजेंसी नंबर के ऊपर, जो कि आप ये देख सकते हैं। मैंने ये कितनी दफ़ा फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फोन नंबर भी नहीं लगा, सबसे हमने फ़ोन कर दिया, सबसे ये 101 नंबर भी नहीं लगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने लास्ट में 112 नंबर पे फ़ोन किया कि आप लोग सूचना दो फायर ब्रिगेड को। तो इतनी बेकार हालत है यहाँ पे, एमरजेंसी फर्स्ट एड के नाम पे कुछ भी नहीं मिला हमारे को। फ़ोन करने के तकरीबन 35 मिनट के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड, 40 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचती है। फायर ब्रिगेड दूर होने की वजह से, किस वजह से 1 घंटा लेट मची है। अगर फायर ब्रिगेड यहाँ होती टाइम पे आती तो कोई नुकसान का काम नहीं था, यानी बिल्कुल स्लो स्पीड में आग थी पहले। मैं तो योगी सरकार ये कहता हूँ भाई, आप इतने बड़े दिखा रहे हो, तो यानी बंदर में लाखों लोग आ रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए आपने है ना यहाँ कोई प्रबंध नहीं किया फायर ब्रिगेड का। कोई कोशिश कला यहाँ से 50 किलोमीटर है, मथुरा भी 20-25 किलोमीटर है, ट्रैफिक जाम रहता है। हमारे पास सूचना है कि एक ये मैरिज होम है, इसके अंदर आग लगी हुई है। तो जब यहाँ पर स्टोर रूम था फर्स्ट फ्लोर पर, उसमें आग लगी हुई थी, और हमारी 2 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची, और उनको आग को अभी कंट्रोल किया जा रहा है, लगभग कंट्रोल में है। दो लोगों की झुलसने की अभी हमारे पास जो प्रथम दृष्टया है पता चला है, और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी मैनेजर से पूछताछ की जा रही है कि कितने लोग यहाँ पर थे, और उनमें से कोई ऐसा तो नहीं कि मिसिंग हो या कुछ ऐसा हो, और आग को अभी कंट्रोल कर लिया गया है, और हमारे जो बंदे हैं वो अभी काम कर।
खबर शाहजहांपुर से है। यहां एक परिवार ने कुछ लोगों पर पुलिस से सांठगांठ कर उनके मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसमें आहत होकर पीड़ित परिवार पानी की टंकी पर चढ़कर पुलिस और दबंगों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, नहीं हुई तो वह टंकी से कूद कर आत्महत्या कर लेंगे। घटना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों के हस्ताक्षर बातचीत करने के प्रयास में लगी हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख